अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल। एक वॉल्यूम बैलून है जो फुलाने पर हमेशा स्फेरिकल टाइप का रहता हैज अ वेरिएबल डायामीटर। तो वेरिएबल डायामीटर इतना दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें डी वी अपॉन डी एक्स पूछ रहा है। तो ये जो है हमारा कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो क्या है, डायामीटर। डायामीटर मतलब डी दे रखा है 3/2 2x+1। तो रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस हमारी जो डायमीटर होता है वो 2r होता है। तो रेडियस r जो है वो डायमीटर का आधा होता है, d अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3/4 2x+1। ये आ गया। अब हमसे कह रहा है कि dv अपॉन dx फाइंड करना है, तो पहले तो v फाइंड करना पड़ेगा। v होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³ यानी इसका क्यूब करेंगे तो 3³/4³ 2x+1³। अब यहाँ पे ये 3 से एक स्क्वायर बन जाएगा और ये 4 से ये स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16 पाई 2x+1³। ये आ गया हमारा v। अब हमें निकालना है dv अपॉन dx। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dv अपॉन dx क्या आएगा, 9/16 πr। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2x+1² फिर 2x+1 का डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2 × 1+0। ठीक है, ये आएगा 9/16 3π और इसको सॉल्व कर लेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये 6π 2x+1² अब हमसे यही पूछा था। और इसी को अगर हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखना चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 16, 9 × 3 = 27/4π 2x+1² और यहाँ पे ये 4 नहीं 8 आएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, तो ये 8 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।